आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी के एक अस्पताल में बच्ची की हलाकत के बाद जो रिश्तेदार थे और जो बच्ची के वालदैन थे, इन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जबरदस्त हंगामा कर दिया। तफसीली मालूमात आपको दे रहे हैं कि भिवंडी शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में जेरे इलाज 4 साल बच्ची मुनासिब इलाज ना होने की वजह से दौरान इलाज दम तोड़ दी। इसकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स और अस्पताल के मैनेजर को ठहराते हुए मौके पर जमा होने वाले लड़की के अहल खाना ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर और नर्स को जर्दकोप किया, यानी उन्हें मारा। मुसला इतला के मुताबिक भिवंडी के भंडारी कंपाउंड के करीब साठेनगर में रहने वाले नितिन कामले की 4 साल बेटी श्रद्धा को उल्टी होने के बाद इलाज के लिए सनलाइट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रात तकरीबन 8 बजे श्रद्धा की हालत खराब होती चली गई और ज्यादा बिगड़ गई और ये देखकर वो बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर के मशवरे पर श्रद्धा को सलाइन और इंजेक्शन लगाया गया। बेहोशी की हालत में कई घंटे तक पड़े रहने के बाद जब उसे दोबारा चेक किया गया तो उसे मुर्दा पाया गया। जब लड़की की मौत हो चुकी है ये सुनकर श्रद्धा के रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद अहले खाना ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और मारपीट की। जैसे ही डॉक्टर और नर्स को जदोकोप किया और इतला मिली पुलिस को, तो पुलिस जो भुईवाड़ा थाने की पुलिस जो थी वो फौरन मौके वारदात पहुंची और उन्होंने उनके मेलकून को समझाया बुझाया, उन्हें तसल्ली दी और हालात पर काबू पाया। इसके बाद श्रद्धा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। भुईवाड़ा पुलिस ने एडीआर का मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें और बात करते हैं उनके जो वालदैन थे उनसे और साथ ही साथ डीसीपी साहब का बयान भी। आज सकाळी आम्ही ऍडमिट केलं होतं 8 वाजता मुलीला, काही दिवसापासून मुली खाणं जेवण वगैरे करत नव्हती, हा तिला उलट्या पण होत होत्या। इकडे आम्ही ऍडमिट केलं, ऍडमिट केल्यानंतर दुपारपर्यंत चांगली होती, इंजेक्शन वगैरे सर्व व्यवस्थित चालू होते। रात्री 8:30 नंतर यांची एक सिस्टर आली, तिने 1 मिनिटाच्या आत लागोपाठ 3 इंजेक्शन नसमध्ये डायरेक्ट हाताच्या नसामध्ये सोडले। माझे 3.5 वर्षाच्या मुलीच्या हातामध्ये 3 इंजेक्शन सोडले। तिने तिकडून शुद्धी गमावली तिकडून नंतर तिने डोळे नांगर काय आरोप आहे? आरोप नाही उघडले, डोळे आरोप माझ्या मुलीला यांनी मारले, चुकीचे इंजेक्शन लावले त्यांनी। त्या पोरीने त्या सिस्टरने ते रिपीट इंजेक्शन लावलेले आहेत, तिने अगोदर लावले असतील ते परत ते तिने रिपोर्ट लावलेत। ती खूप घाईमध्ये होती। तिच्या स्टाफला तुम्ही विचारू शकता, तिने 10 मिनिटाच्या आतमध्ये जेवढे पण पेशंट आहेत त्या सगळ्यांना इंजेक्शन लावले। माझ्या मुलीला 1 मिनिट सुद्धा लागला नाही, 3 इंजेक्शन तिने डायरेक्ट नसमध्ये सोडलेले आहेत। 12 तारीख को सनलाइट हॉस्पिटल जो भंडारी कंपाउंड में है वहाँ पे एक 3.5 साल की बच्ची को उपचार करने के लिए दाखिल किया हुआ था। उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से फिर से उनको कल एडमिट किया गया
और उपचार के दरमियान उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। उसी के तहत वहाँ के उनके जो रिलेटिव्स है उन्होंने फिर वो डॉक्टर के साथ हुज्जत की, हाथापाई की और उसमें जो हॉस्पिटल का नुकसान किया है उसी के तहत उनके खिलाफ भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत गुना दाखिल किया है। और वो जो लड़की मयत हुई है उसका भी EDR पुलिस स्टेशन में दाखिल किया हुआ है। और उसमें वो जो लड़की है उनके नातेवाईकों ने भी डॉक्टर के ऊपर आरोप किए हैं कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बच्चे की मौत हुई है। उसी के तहत पुलिस आगे की जांच कर रही है।